Hello students, welcome to the third video of this playlist of this chapter carbon and its compounds. इससे पहले दो videos में हमने बात की थी carbon कैसे covalent bonds बनाता है, covalent bonds क्या होता है, carbon covalent bonds क्यों बनाता है. Carbon covalent bonds इसलिए बनाता है, मतलब sharing of electrons इसलिए करता है क्योंकि उसको octet complete भी करना है पर electrons लेना देना भी नहीं है, possible नहीं है. Four electrons देना, four electrons लेना, it's a big task. Impossible. तो वो शेयरिंग से अपना काम पूरा करता है और ऐसे बहुत सारे और भी लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन बहुत सारे और भी जो एटम्स हैं एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड से ही हम अपना स्टेबिलिटी लाते हैं. तो हमने देखा था वो, फिर उसके बाद देखा था कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कितने लंबे लंबे चेन्स बनाते हैं. हमने मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन और उसके बाद हेक्सेन तक हमने देखा था. राइट, हमने देखा था कि कार्बन का वो एक सीरीज कैसे बनता है कंपाउंड्स का, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं उसको. हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं जो हमने देखे थे पिछले चैप्टर में सॉरी पिछले वीडियो में वो था हाइड्रोकार्बन्स. आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ और टाइप के कंपाउंड्स देखने वाले हैं, जैसे कि चेन्स ब्रांचेस एंड रिंग्स. ठीक है, मतलब कि कार्बन की एक लंबी चेन भी बन सकती है, कुछ ब्रांचिंग भी हो सकती है, जो भी हमने देखा था पिछले वीडियो में हम देखेंगे, एक एग्जांपल देंगे उसका, और रिंग्स देखेंगे. तो रिंग स्ट्रक्चर के दो एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स की. फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि एसिड कीटोन अल्कोहल अल्डिहाइड ब्रोमो क्लोरो वगैरह, ये जो चीज़ें जुड़ जाती हैं कार्बन के साथ उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स. और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि उन फंक्शनल ग्रुप्स का या कार्बन के कंपाउंड्स का हम लोग एक होमोलोगस सीरीज कैसे बना सकते हैं, होमोलोगस सीरीज. सो ये सब कुछ इस वीडियो में होगा. होपफुली ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो चलो शुरू करते हैं जिससे टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट ना हो. चलो सो सबसे पहले बात देखते हैं चेन की. तो मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ, हमने पिछले वीडियो में क्या बात की थी. हमने एक कंपाउंड बनाया था सी, ये बनाया था हमने. ओके, ये था ब्यूटेन, याद है आपको, ब्यूटेन. नाउ ब्यूटेन का फॉर्मूला था C4, देखो चार कार्बन H10. तो ये जो है ब्यूटेन, इसको मैंने यहां ड्रॉ कर लिया है, ये सिर्फ कार्बन का स्केलेटन है. अब इसमें आपको क्या करना है, देखो याद करो कार्बन के कितनी वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए, 4. सो यहां देखो एक बॉन्ड हुआ है, 1 2 3 और 1 2. देखो इसके दो हो चुके थे, 1 2 और जोड़ दिए, इसके दो हो चुके हैं, 4 हो गए, इसके एक ही हुआ है, 1 2 3 जोड़ दिया. क्लियर. अच्छा अब आप क्या करते हो, हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड बनाते हो. सो एक हाइड्रोजन यहां, देखो ये हाइड्रोजन मैंने सब जगह जहां पर सब हाथ निकले हुए थे सब वैलेंसीज पूरी कर ली. याद करेंगे हाइड्रोजन का केवल एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड, देखो इसका एक बॉन्ड इसका एक बॉन्ड, खुश हो गया. ठीक है, उसके बाद कार्बन का देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए. सो 4 बॉन्ड्स हर एक कार्बन के भी पूरे हो गए. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड. ठीक है, फिर से मैं रिवाइज ही कर रहा हूं, और ये क्या बन गया, चेन. ओके, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतने ही कार्बन और इतने ही हाइड्रोजन के साथ मैं और एक नया स्ट्रक्चर बना सकता हूं. तो देखो कैसे बनता है, C C C. अब मैंने ये जोड़ दिया, अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं एक कार्बन यहां जोड़ दूंगा ऐसे, ब्रांच. देखो 1 2 3 4 नहीं, मैंने लाइन से 4 नहीं रखे, मैंने लाइन से 1 2 3 रखा और ये कार्बन को मैंने इस कार्बन को जोड़ दिया, बीच वाले कार्बन. ओके, इससे क्या हुआ कि ये पूरी एक लाइन नहीं है, ये पूरी लाइन नहीं है, एक ब्रांच है उसमें, ब्रांच. तो अगर एक पेड़ पूरा सीधा हो तो आप बोलेंगे कोई ब्रांचिंग नहीं है, पर अगर एक पेड़ ऐसे है फिर एक ब्रांच फिर उसको इधर भी ब्रांच, तो ऐसे करके ये ब्रांच्ड ब्रांचेस या ब्रांच्ड चेन भी बोल सकते हो आप इसको, कि चेन है पर ब्रांच है. ओके, अच्छा अब देखते हैं कि कार्बन तो 4 है पर हाइड्रोजन होंगे क्या, 10 है ना. सो हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसमें फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा, देखो होना चाहिए, और डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा. तो देखते हैं कि ऐसा होगा क्या,
चलो चेक करते हैं। अच्छा देखो, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो चुकी है, तीन, तो बची 1, 2, 3, है ना, हो गए 4, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन की हो चुकी है 1, तो 1, 2, 3, 4। इस कार्बन की 1 हो गई है, तो 2, 3, 4। इस कार्बन की कितनी हो गई है, 1, 2, 3 हो चुकी है, बची 1। ओके तो चलो देखते हैं कि 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं क्या। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो आ गए, है ना, आ गए। फिर से एक बार देखो, ये कार्बन, ये कार्बन के चार हो गए, इसके चार हो गए, इसके चार हो गए, इसके सबके चार हो गए, कार्बन के चार हो गए, हाइड्रोजन का एक एक ही हुआ। सो ये जो हमने बनाया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज C4H10, या इसको ब्यूटेन अभी नहीं बोलेंगे, ये C4H10 से आप ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो। देखो इसका नाम तो ब्यूटेन है, पर इसका नाम ब्यूटेन नहीं है, इसका नाम कुछ और है, जो हम लोग बाद में जब नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तब समझेगा। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कार्बन चार है, हाइड्रोजन 10 है, अगर मैंने आपको ऐसे दिया तो आप ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो। आप बोलेंगे सर इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये रिएक्शंस अपने अलग अलग करेंगे, इनका स्ट्रक्चर अलग होने के कारण, फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर अलग होने के कारण इनके रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं, इनका नाम भी हम लोग अलग देते हैं। ओके सो ये थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो अपन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर ये रिंग का कर लेते हैं, चलो फिर बोर्ड क्लियर हो जाएगा। अच्छा सो रिंग स्ट्रक्चर अब देखेंगे। सो हमने अभी क्या देखा, एक चेन, ब्रांच, ठीक है, इसको मैं देखो फिर से एक बार निकालता हूँ, सी 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 और एक सी यहाँ, राइट, तो ये ब्रांच हो गया। तो हमने क्या देखा, चेन्स देखा, ब्रांचेस देखा, ये देखो ब्रांच देख लिया। अब रिंग देखते हैं, मतलब कार्बन सीधा भी हो सकता है, वो कोकोनट ट्री जैसा, ठीक है, मतलब एक ही लाइन, या फिर वो ब्रांच्ड ट्री भी हो सकता है, या फिर वो गोल रिंग के जैसा भी बना सकता है। इतना कमाल का है कार्बन एटम कि वो ये सब चीजें कर सकता है, इसीलिए तो इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ कार्बन के और हाइड्रोजन के बस। तो चलो देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो याद करेंगे हेक्स का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। ये 6 कार्बन को मुझे किस तरीके से रखना है, साइक्लो। तो देखो कैसे बनेगा, ठीक है, देखते कैसे, यहां बनाता है कार्बन। सो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये हेक्सेन है ना, हेक्सेन जैसा, हेक्सागन जैसा, हाँ। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इस तरीके से, फिर से एक बार इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कार्बन रख देता हूँ। सो कार्बन, हर वर्टेक्स पे कार्बन, 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 कार्बन। ओके सो ये जोड़ दिया, है ना। अब मैंने हर कार्बन को एक दूसरे से जोड़ दिया है, मतलब चेन बना दिया है पूरा उनका, सॉरी चेन नहीं, क्या बोलना चाहिए, रिंग बना दिया उसका, ठीक है, एक रिंग, राउंड स्ट्रक्चर बना दिया उसका। अब ये राउंड स्ट्रक्चर में चेक करते हैं कि हाइड्रोजन कितने आएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, साइक्लो और हेक्सेन, हेक्सेन क्यों, बिकॉज 6 कार्बन। तो अब एक काम करते हैं, इसमें हाइड्रोजन चेक करते हैं कितने आएंगे। ओके अब बताओ कि इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 4, इसके कितने हो गए, 2, तो बचे कितने, 1, 2, इसका 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, समझ रहे, हर कार्बन के 2-2 बॉन्ड्स हो चुके थे, उनके बचे थे 2, 2, 2, सबके 2-2 बचे थे, मतलब कि अभी कितने हाइड्रोजन आएंगे चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखो 12 कार्बन है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, बट इसको शॉर्टकट में जब ड्रॉ करना होता है तो आप ऐसे ही ड्रॉ करते हो। शॉर्टकट में अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप डायरेक्ट यही ड्रॉ करोगे, आप यहां समझ जाओगे कि कितने हाइड्रोजन है वगैरह वगैरह, प्रैक्टिस से समझ जाओगे। ओके सो ये था साइक्लोहेक्सेन। ओके अगर आपको किसी ने बोला साइक्लोपेंटेन बनाओ, साइक्लो मतलब गोल और पेंट मतलब 5,
अगर आपको किसी ने बोला साइक्लोपेंटेन बनाओ तो कैसे बनाओगे? बना लेंगे क्या? बना लेंगे, चलो चेक करते हैं अपन। देखो ऐसे ही बनाओ पहले, है ना, रेगुलर पेंटागन जैसे बनाया आपने, बना कि नहीं बना? नहीं बना। हाँ अब ठीक है, अब कुछ नहीं, इधर से सो इसको रहने देते हैं, चलो नया निकलते हैं, कार्बन 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 कार्बन। देखो तो ये मैंने जोड़ दिया इसको, ओके। और अब कितने हाइड्रोजन लगेंगे? देखो हर एक कार्बन को दो हो चुके हैं, तो ये दो लग गए, ये दो लग गए, ये दो, ये दो और ये दो लग गए, तो ये बन गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, पांच कार्बन। किसको गिनते हैं? नाम में, नाम में कार्बन को गिनते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा? साइक्लोपेंटेन बन गया, एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस। उन्होंने बोला है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन। तो पहली बात तो इसका फॉर्मूला चेक कर लो, और इसका भी फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, इसका फॉर्मूला और है C6, देखो, और H कितने? हर एक को दो, मतलब H12। इसका फॉर्मूला देखो C5, और हर एक को दो हाइड्रोजन, मतलब कि C। सो उन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट। तो देखो यहां पर ये मैंने बॉन्ड्स निकाले, बट आपको तो पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक बॉन्ड में आते हैं दो, है ना, इसमें भी दो। तो आप ये क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। देखो ये एक बॉन्ड था ना, तो मैंने एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, याद करो फर्स्ट क्लास में बात किया था हमने। यहां पर भी ऐसे करते करते आप पूरा कर लेंगे आई गेस, ठीक है? विल यू डू दिस? सबसे पहले आप बॉन्ड्स निकालो, कार्बन के चार बॉन्ड्स, उसके बाद एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वन पेयर, तो ये आ गया। तो ये पूरा अगर आप निकाल लेंगे, मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं, आप आई होप कर ही लेंगे, साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। एक और एक कंपाउंड इंटरेस्टिंग आपको दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूं, तो आई विल रिमूव दिस रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे इसके बारे में क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1। सो आई होप आप पॉज करके नोट कर रहे हैं, पॉज करके नोट करो और पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व भी करो। तो चलो बेंजीन देखते हैं क्या है। बेंजीन देखो ऐसे ही है, बेंजीन ऐसे ही है, बट यहां पे इस तरीके से है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताता हूं इसका अर्थ क्या है। तो आप जब भी ये देखो तो आप बेंजीन समझ जाना, ओके? बेंजीन होता है C6H6, मतलब एक कार्बन को एक हाइड्रोजन। तो चलो देखते हैं क्या आता है, ओके? एक एक बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है? अब देखो ये जो मैंने एक और डंडी निकाला है, ये एक और डंडी का मतलब है एक और बॉन्ड है। फिर यहां पर एक ही डंडी है तो एक ही बॉन्ड है, यहां डबल डंडी है तो फिर से डबल, और फिर से यहां डबल, समझ रहे हो? देखो बेंजीन C6H6 है, आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए, ठीक है? ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। देखो पहले आपको हेक्सागन निकालना है, उसके बाद में एक डंडी यहां, फिर छोड़ दो, फिर एक वहां, फिर छोड़ दो, फिर यहां छोड़ दो, ऐसे ऑल्टरनेट। और ये जो है ये डबल, देखो ये इसका मतलब क्या है, एक बॉन्ड है ना, बट अगर डबल निकालू मैं तो डबल बॉन्ड, ओके? समझ रहे? ओके, अब देखो इस कार्बन के तीन बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3, तो ये बचा एक, इसके भी तीन हो गए, एक, इसके भी तीन हो गए, एक बचा, मतलब हाइड्रोजन, देख रहे हो? हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिल गया, मतलब क्या बन गया, C6 और एक एक हाइड्रोजन, मतलब H6, ओके? तो ये भी एक रिंग स्ट्रक्चर है, और बेंजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो आगे चल के 11th 12th में अगर आप लेते हो साइंस लेते हो तो आपको ये सब चीजें बहुत बार दिखेगी। सो बेंजीन बहुत इंटरेस्टिंग दिखने वाला कंपाउंड भी है, एंड लेट मी टेल यू, बेंजीन को ड्रॉ करने का और एक तरीका है, वो है ऐसे गोल। तो ये गोल निकाल दिया, मतलब कि है। सो अभी फिलहाल के लिए आप देख लेना कि जब भी आप इंटरनेट पर सर्च करो या कहीं देखो, तो शायद आपको ऐसा भी दिख सकता है, या ऐसा दिख सकता है, या फिर ऐसा,
तो आप समझ लेना कि बेंजीन की बात हो रही है। ओके, C6 हेक्सागन स्ट्रक्चर है। ओके, सो दैट वाज अबाउट बेंजीन। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या हमने क्वेश्चन 3 कर लिया था? यस, पेंटेन वाला कर लिया। अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में उन लोगों ने देखो क्या पूछा है। उन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ओके, पेंटेन। सो पेंटेन क्या है? देखो C5H12, याद करो पेंटेन, साइक्लोमेंटेन नहीं, पेंटेन। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में पेंटेन देखा था। पेंटेन क्या होता है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर? ओके, नाउ क्या मैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकता हूं? तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक काम करते हैं, 4 लाइन से लगा देते हैं, और ये जो एक है, एक को मैं यहां जोड़ देता हूं। क्या मैं ये कर सकता हूं? यस, मैं ये कर सकता हूं। अब देखो चेन थी 5 की, अब चेन किसकी है? 4 की, बट अभी ब्रांच में एक आ चुका है, देख रहे हो यहां 1, 2, 3, 4, 4, 5। तो ये पेंटेन हो गया, ये पेंटेन हो गया। देखो 5, अब यहां चेन कितने की है? 1, 2, 3, 4, और ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, क्लियर? ओके, अब इसमें एक और प्रकार आप कर सकते हो, वो ये है C C C। अभी आपने 3 का ही चेन बनाया, और एक ब्रांच यहां और एक ब्रांच उधर ही, एक और ब्रांच, राइट? अब देखो क्या हुआ, ब्रांच, सॉरी, चेन 3 की है, देखो चेन कितने की है, 1, 2, 3, और ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, क्लियर? अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ऐसे निकाल सकते हैं, एक मैं यहां लगाऊंगा और एक मैं यहां लगाऊंगा, बट एक बात समझो, आपने क्या किया, ये ब्रांच यहां लगा दी, बट अगर आपने ये ब्रांच यहां लगा दी तो एक बात समझना कि क्या ये 1, 2, 3, 4 एक लाइन में ही नहीं है? है तो लाइन में ही ना। देखो अगर नदी ऐसे टर्न होके भी आई तो वो एक ही नदी बोलते हैं ना, करेक्ट? अगर ये नदी यहां से सपोज आती है तो आप बोलेंगे हाँ ये मेन नदी है, और यहां से एक आई और यहां से एक आई, या फिर ब्रांच हो। तो अगर आपने यहां पर भी निकाल दिया तो भी आप उसको एक ही नदी बोलोगे, एक ही चेन बोलोगे। सो ब्रांचिंग आपको कैसे करनी है, जिससे पहले तो चेन 5 की बनी, फिर चेन 4 की बनी और एक ब्रांच हुआ, फिर चेन 3 की बनी और 2 ब्रांच निकले। वो 2 ब्रांच कैसे निकलने चाहिए? अगर वो ब्रांच यहां होगा तो वो ब्रांच नहीं, वो एक ही चेन का पार्ट हो जाएगा। सो राइट नाउ ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं? ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ये 3 बना सकते हो आप, ये कुछ अलग नहीं है, ये तो एक्चुअली यही बन जाएगा, है ना, 1, 2, 3, 4, ये देखो 1, 2, 3 और एक ब्रांच, राइट? सो इसका मतलब है कि क्वेश्चन 1 में हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन C5H12, ये वाला सीधा 5, सीधा 4 और एक ब्रांच, सीधा 3 और 2 ब्रांच। ओके, ध्यान से जब भी आप ब्रांचेस निकालो तो ब्रांच कभी भी फर्स्ट कार्बन पे, या मतलब लास्ट और फर्स्ट कार्बन पे मत लगाना, मतलब यहां मत लगाना, नहीं तो वो चेन का ही पार्ट माना जाएगा स्ट्रेट। ओके, सी बेसिकली अगर आप ये कार्बन को, ये कार्बन ऐसे जोड़ो या फिर ऐसे जोड़ो, बात तो एक ही है ना। अगर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मैं इसको यहां ड्रॉ करूं या यहां ड्रॉ करूं, क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही होगी ना, आप मेरे से यहां हाथ मिलाओ या यहां हाथ मिलाओ, आपने मेरे से हाथ मिलाया, करेक्ट? तो इसका मतलब है कि ये चीज यहां पर ड्रॉ करना और ऐसे ड्रॉ करने में कोई फर्क नहीं था, क्लियर? सो ये हो गई हमारी बात चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स की। इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की थी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है। दे हैव द सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब मैंने यहां हाइड्रोजन नहीं निकाले, क्यों नहीं निकाले? क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी, ठीक है, कर लेंगे ना आप। देखो यहां पर 1, 2, 3 बचा है, यहां पर 1, 2 हो चुका है तो 2 बचा है, यहां पर 1, 2, 3 हो गया मतलब एक ही बचा है, और यहां पर 1 हो चुका है तो 1, 2, 3 बचा है, और यहां पर क्या किस्सा है चेक करो, यहां पर 1 हो गया तो 1, 2, 3, क्लियर? अब हर एक में एक हाइड्रोजन लगा देंगे,
कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई 4 4 4 4 4, हो गया सबकी पूरी। ओके हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया, कुछ ज्यादा कम तो नहीं हुआ, 3 5 6 7 8 9 12, राइट। सो इतना तो आप कर ही लेंगे आई बिलीव, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, हाइड्रोजन की 1। ओके सो दैट्स दिस पार्ट। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक और छोटा सा टॉपिक जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो है विल यू बी माई फ्रेंड। अब वो मैं उस तरीके से नहीं आपको बताऊंगा, बट उस टॉपिक का क्या पॉइंट है, क्या पर्पज है, वो समझने की बात है। तो हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब पहले बात तो ये समझते हैं कि अगर कार्बन हाइड्रोजन से तो जुड़ता ही है, मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन तो बनता ही है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन्स, अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। बट अगर कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन सल्फर फॉस्फोरस वगैरह वगैरह से जुड़ जाए, ओके अगर ऐसा हो जाए तो ये जो एटम्स हैं, ध्यान से सुनना, कार्बन अगर हाइड्रोजन से जुड़ता है तो हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं उस कंपाउंड्स को, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोकार्बन। बट अगर ये वाले एटम्स जुड़ जाते हैं और भी अलग अलग टाइप के ब्रोमीन आयोडीन वगैरह, अगर वो जुड़ जाते हैं तो हम लोग इन एटम्स को बोलते हैं हेटेरो एटम्स। हेटेरो मतलब दूसरे एटम्स जुड़, क्लियर। अगर ये दूसरे एटम्स जुड़ जाते हैं अलग अलग स्टाइल से जुड़ जाते हैं तो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं क्या है, थोड़ा ध्यान से नोट्स भी बनाते रहो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके फिर से पीछे जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से एक बार फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो जो अभी तक थे उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और अगर ये सब जुड़ जाए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं कार्बन के साथ तो उनको हेटेरो एटम्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये हेटेरो एटम्स से हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप्स बनाने वाले हैं वो 4, एक्चुअली 5। पहला हम लोग बनाएंगे अल्कोहल, ओके फिर वन सेकेंड, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे अल्डिहाइड, फिर बनाएंगे कीटोन, और फिर बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स बनाएंगे, और फिर एग्जांपल्स भी बताऊंगा मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो अल्कोहल का मतलब ये है कि अगर आप देखते हो कि कार्बन की चेन मतलब यहां पे कार्बन कार्बन कुछ होगा, अगर इसको OH जुड़ा है तो अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है अभी तक इतने। अगर COH ऐसा जुड़ा है तो एल्डिहाइड बोलते हैं। कीटोन में अगर C ऐसा है तो कीटोन बोलते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको सब समझाऊंगा, इसके लिए काफी टाइम दूंगा। और कार्बोक्सिलिक के लिए हम लोग करेंगे C, यहां पे ओ ऐसे और यहां पे OH और यहां पर कुछ जुड़ा हुआ है, ओके। सो बात समझने की देखो क्या है, ये जो मैंने डैश निकाला है, ये डैश का मतलब ये है कि यहां पर कार्बन होगा, जैसे कि कुछ कार्बन होगा कुछ कार्बन ऐसा होगा, यहां पर भी कुछ कार्बन कार्बन हो सकता है ना। बट जो मेन चीज जुड़ी हुई है वो क्या है, ये जो मेन चीज जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये कि कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो कोई इशू नहीं, बट मेन फोकस फंक्शनल, मतलब कौन एक्चुअली काम करने वाला है, तो ये लोग करने वाले हैं, ये लोग ओके। इनके नाम याद रखेंगे अल्कोहल OH, अल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, ओके। इसको प्रैक्टिस करते रहो, नॉमेनक्लेचर में बहुत काम आने वाला है, ओके। तो ये चीजें हैं फंक्शनल ग्रुप्स। आप ध्यान से देखना इसमें कौन सा हेटेरो आइटम है, हर एक में चेक करो, हाइड्रोजन हेटेरो आइटम नहीं है, हेटेरो आइटम कौन सा है सब में, ऑक्सीजन,
सब में ऑक्सीजन हेटरो एटम है, ओके? देखो यहां ऑक्सीजन आ गया, सब में ऑक्सीजन आ गया, तो ये ऑक्सीजन हेटरो एटम से ये सब बना। एक और फंक्शनल ग्रुप है हेलो, मतलब हेलोजेन, ओके? हेलो हेलोजेन, उसमें क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, उसमें क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जोड़ देते हैं। मतलब कि यहां कार्बन है और उसको एक क्लोरीन जुड़ा है, यहां कार्बन है उसको ब्रोमीन जुड़ा है, वेरी सिंपल। सो यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या कौन सा हेटरो एटम है, क्लोरीन या ब्रोमीन वगैरह, क्लियर? सो ये है फंक्शनल ग्रुप्स, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम इसके बाद में जो होमोलोगस सीरीज की बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? सो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूं, हटा दूं, चलो हटा देते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज की। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी सी बात आपने की और नई बात थी और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ज्यादा रिलेशन क्वेश्चंस नहीं करने को मिले, तो मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। फिलहाल होमोलोगस सीरीज देखते हैं और फिर हम लोग वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे, चलो। सो होमोलोगस सीरीज का मतलब है, ध्यान से, होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि आप, सो फॉर एग्जाम्पल CH4, ये कौन है, ये कौन है, मीथेन, ओके? एक कार्बन मतलब मेथ, उसके बाद C2H6, ये है एथ, इथेन, C3H8, ये हो गया प्रोप, दो कार्बन मतलब इथ, तीन कार्बन मतलब प्रोप। ऐसे करते करते आप हेक्सेन तक पढ़े, ठीक है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से वो नहीं बता सकता हूं, इट वॉज अ लॉन्ग थिंग, बट अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। ध्यान से मुझे देख के बताओ कि यहां से यहां में प्लस क्या हुआ, यहां पर एक कार्बन ऐड हुआ और दो हाइड्रोजन ऐड हुआ। अच्छा, यहां से यहां में देखो एक कार्बन ऐड हुआ और दो हाइड्रोजन ऐड हुआ, राइट? तो अगर आप ऐसे CH2 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 ऐड करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, होमोलोगस सीरीज। सो होमोलोगस सीरीज का मतलब यह है कि यू ऐड CH2 टू प्रीवियस कंपाउंड, मतलब जो प्रीवियस कंपाउंड है उसको CH2 ऐड कर दो तो आपको एक, ऐसे करते करते एक होमोलोगस, होमो मतलब सेम, होमोलोगस होमोलोग मतलब एक जैसा सीरीज मिलेगा। एक जैसा क्या, एक जैसा मतलब, सो देखो CH4 कैसा था, ऐसा था, C2H6 कैसा था, ऐसा था, इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये दोनों एक जैसे क्यों है, बिकॉज बोथ आर सैचुरेटेड, देखो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब और हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, तो ये एक जैसे हैं, वैसे आपको और भी लिस्ट में एक जैसे ही मिलेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, पार्ट टू वीडियो देखो, आपको ये सब चीजें समझ जाएगी, ठीक है? वहां पर सारी बात हो चुकी थी। सो अगर आपने ऐड कर दिया CH2 तो आपको मिल जाएगा। अब एक और सीरीज देखते हैं, ठीक है? यहां से शुरू करेंगे और ये है C2H4। याद करेंगे C2H4 हमने किया था, C2H4 का नाम है, देखो दो कार्बन मतलब इथ और दो हाइड्रोजन कम है तो इसको बोलते हैं इथ ईन, ये है एन, ये है ईन, ओके? देखो इसका स्ट्रक्चर भी हमने निकाला था, इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, देखो दो कार्बन उसके बाद सिर्फ चार हाइड्रोजन, है ना? सो ये देखो, ये कार्बन के एक दो तीन हो गए, इसके भी एक दो तीन हो गए, चौथा नहीं हुआ इसका भी और इसका भी, और हाइड्रोजन भी अवेलेबल नहीं है, देखो चार हाइड्रोजन है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, एक दूसरे का ही हाथ मिला लेंगे और ये बन जाएंगे, ओके? सो यहां जब डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जब होता है तो इसको बोलते हैं इथीन, ईन, डबल बॉन्ड का मतलब ईन। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं C3H6, ये क्या बन गया, देखो तीन कार्बन मतलब प्रॉप और दो हाइड्रोजन कम है, देखो यहां से दो हाइड्रोजन कम है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये बन गया प्रॉपीन। कैसे बनेगा,
ठीक है। तो ये इस तरीके से सी 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 बन गया, और कितने हाइड्रोजन है, एक दो देखो छह हाइड्रोजन है, बट किसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये यहाँ कर देते हैं और ये ऐसे देखो, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई क्या, चेक करते हैं। हाँ देखो, एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन छः, और एक डबल बॉन्ड है। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि यहां से यहां पर आपने क्या ऐड किया, फिर से CH2। देखो यहां CH2 ऐड किया। सो जब आप CH2 ऐड कर देते हो तो पूरी एक होमोलोगस सीरीज बन जाती है, चार कार्बन के साथ ये बन गया ब्यूटीन। ऐसे करते करते वो आगे जाएगा, ओके। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनता है दो कार्बन, मतलब इथ, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो ये फॉर्मूला बनता है, कैसे देखो फिर से, ट्रिपल बॉन्ड, इसके तीन हो गए तो एक बचा, इसके तीन हो गए तो एक बचा, और इसके भी तीन हो गए तो एक बचा। ये देखो क्या फॉर्मूला बना, C2H2। इसका नाम आइन क्यों दिया है, क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो आप क्या नाम देंगे इसको, आइन, आइन, इथ आइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉप आइन, अभी तक आपको याद हो गया होगा, इथ प्रॉप ब्यूट, इथ प्रॉप ब्यूट, और आगे डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड है तो इथ, क्लियर। चलो ये हो गया C3H4, कितना ऐड करना था, कितना ऐड करना था, प्लस CH2, देखो ऐड हुआ क्या CH2, बस। सो आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि फर्स्ट इथाइन कैसे होगा, उसके बाद प्रॉप ब्यूट, सब में आपको CH2 ऐड करना है, ओके। नाउ अगर मैं आपको ये वाला फॉर्मूला बताऊं तो देखो, देयर इज वन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, तो मैं कहां पे करूं, यहां करता हूं। चलो एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है CnH2n+2, इधर CnH2n और इधर CnH2n-2। नाउ ये क्या है फॉर्मूला, देखो एक बार फॉर्मूला क्या है। अगर C1 हुआ तो H कितना होगा, देखो when n की जगह 1 डालो, 2+2 4, ये है ना अपना पहला। चलो C की जगह, n की जगह 2 डालो, 2 × 2 4+2 6, यहां डाल के देखो C2, 1 मत डालना बिकॉज ऐसा होता ही नहीं है कंपाउंड, डबल बॉन्ड कार्बन दो होने चाहिए ना डबल बॉन्ड करने के लिए, तो एक कार्बन से तो होगा नहीं। C2H 2 × 2 4, देखो बन गया। वैसे C3H 6, यहां पर C2H 2 × 2 4-2 2, C3 यहां पर भी 3 डालो, C3H 4, है ना। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, आप लोग अप्लाई करना है तो आपको n क्या डालना है, n=1, 2, 3 etc. फॉर 1, 2, 3 कार्बन एटम्स, राइट। सो ये हमने देखा होमोलोगस सीरीज, हमने देखा होमोलोगस सीरीज ओनली फॉर दीज बेसिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज फॉर अल्कोहल, होमोलोगस सीरीज फॉर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड वगैरह वगैरह, ओके। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रह जाता है क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं क्या है। एग्जाम्पल यस, सो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, होमोलोगस सीरीज क्या है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। सो हमने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर लिया क्या है होमोलोगस सीरीज, यू एड CH2 CH2 एंड देन यू विल गेट अ होमोलोगस सीरीज, ओके। हाँ होमोलोगस सीरीज में एक बात ये होती है कि इनके जो, यहां लिख लेता हूं, केमिकल एंड फिजिकल, सॉरी, या इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि
है तो सेम ही, सबके सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, डबल डबल बॉन्ड, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, दे शो ग्रेडेशन। नाउ ये बताना मैं भूल गया था, ग्रेडेशन का मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ती है या धीरे धीरे कम होती है। जैसे देखो यहां पे मास बढ़ेगा, है ना, बढ़ रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी या फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज फॉर अल्डिहाइड्स, कीटोन, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर कुछ नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहे।